बिहार के सासाराम में समाज सुधार अभियान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। विकास के साथ साथ हम लोग समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, इस तरह का वक्तव्य मुख्यमंत्री ने यहाँ दिया। उन्होंने कहा कि दारू पीने वाले कुछ लोग खुद को ज्यादा काबिल मानते हैं, लेकिन वो काबिल नहीं है। कितने भी पढ़े लिखे हैं और यदि वे दारू पीते हैं तो हम उनको काबिल नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग वैसे किसी आदमी को बिहार आने का इजाजत नहीं देंगे जो शराब पीने की इच्छा रखता है। उन्होंने कहा कि अगर शराब पीना है तो बिहार मत आइए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पटना सरकारी आवास पर ब्राह्मण दलित एकता महाभोज का आयोजन किया गया। ब्राह्मण दलित एकता महाभोज पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि आज हमारे महाभोज आमंत्रण पर बड़ी संख्या में बिहार भर से लोग आए हैं और एक साथ भोजन किए हैं। उन्होंने कहा कि अपने हाथों से उन्होंने चूरा, दही, तिलकुट, गुड़, मीठा और बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी परोसा है। राज्य के पूर्व मंत्री एवं भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने देश में औषधि क्षेत्र के जाने माने उद्योगपति, प्रखर समाज सेवी सांसद महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महिंद्रा के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने उनके निधन को समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। किंग महेंद्र जी न केवल एक बड़े उद्योगपति थे बल्कि समाज के लिए भी काफी चिंतित रहते थे। हजारों समाज के नौजवानों को रोजी रोजगार देकर उन्होंने जो ये कृति किया है, भले वो आज हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन वो जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा तब तक जीवंत रहेंगे। आज उनके निधन से मेरा भूमिहार समाज, पूरा समाज मर्माहत है। हम अपनी ओर से और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से स्वर्गीय महेंद्र जी के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति दे, वहीं शोक संतप्त परिवार को धैर्य धारण करने का शक्ति प्रदान करे। भारतीय प्रशासनिक पुलिस एवं अन्य सेवाओं के 30 प्रशिक्षु अधिकारियों का दल आज मोतिहारी पहुंचा। यहां DM शीर्षत कपिल अशोक ने सभी का स्वागत किया। कल्याणपुर प्रखंड के माली नगर पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय एवं राजकीय कृष्ण देव उच्च विद्यालय माली नगर में एकता युवा मंडल सैदपुर के तरफ से संयुक्त रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया गया। इस दौरान यहां स्वच्छता अभियान भी चलाए गए। कार्यक्रम में 250 बच्चों एवं युवाओं ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता मध्य विद्यालय के प्रभारी नरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। ताजपुर में जैविक खेती एवं फसल अवशेष प्रबंधन पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस माध्यम से जागरूकता का अभियान चलाया गया। ताजपुर प्रखंड क्षेत्र के जैविक ग्राम कोठिया में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हरा बिहार स्वयंसेवी संस्था के कलाकारों के द्वारा जैविक खेती के महत्व को बताया गया। चंपारण जिला के विकास में बैंकों का सहयोग अपेक्षित है। अध्यक्ष सह प्रभारी जिलाधिकारी कमलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक डॉक्टर राधा कृष्ण भवन में हुई, जिसमें मुख्य रूप से यह बातें कही गई। मुजफ्फरपुर के बेला स्थित नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर विस्फोट होने से श्रमिकों की हुई मौत पर मोतिहारी ऑटो एवं ई रिक्शा चालक संघ पूर्वी चंपारण ने उन सभी मृतकों के आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ताजपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को सोमवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन के सभागार में BDO सह निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इधर शिवहर में भी सभी नवनिर्वाचित मुखिया, उप मुखिया, सरपंच तथा पंचों का शपथ ग्रहण कराया गया। वहीं उप पदों पर निर्वाचन कार्य भी कराए गए। बंदरा प्रखंड मुख्यालय के सभा कक्ष में सोमवार को भी प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच तथा पंच को शपथ ग्रहण कराई गई। वहीं 4 पंचायतों में उप मुखिया तथा उप सरपंच पदों के लिए निर्वाचन भी कराए गए। प्रखंड निर्वाचन कार्यालय के अनुसार रामपुर दयाल पंचायत में उप मुखिया पद हेतु राकेश कुमार पासवान निर्विरोध निर्वाचित किए गए। वहीं उप सरपंच के पद पर एक समान मतों के कारण अमरजीत कुमार यहां लॉटरी के माध्यम से निर्वाचित किए गए। रतवारा पंचायत में उप मुखिया अक्षय कुमार निर्वाचित किए गए। वहीं यहां उप सरपंच पर राम जतन राय निर्विरोध निर्वाचित किए गए।
मतलुपुर पंचायत में उप मुखिया इस्लाम अली तथा उप सरपंच राजेश कुमार झा निर्वाचित किए गए। बंदरा पंचायत में उप मुखिया परमिला देवी तथा उप सरपंच माला कुमारी निर्वाचित की गई। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण एवं प्रमाण पत्रों का वितरण मुजफ्फरपुर की वरीय उप समाहर्ता नीलम कुमारी के द्वारा कराई गई। शपथ ग्रहण तथा निर्वाचन की प्रक्रिया देर शाम तक चलती रही। इधर गायघाट प्रखंड के नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण किया गया। मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के विजयी उम्मीदवारों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। प्रखंड मुख्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप मुखिया और उप सरपंच का चुनाव भी किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर बिमल कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। आज की प्रक्रिया में जारंग पश्चिमी, बेरुआ, मैठी, बखरी, कमरथू आदि पंचायत शामिल किए गए थे।